दोस्तों मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और जामिया मिलिया इस्लामिया से। यानी आज के डेट में एक जामिया का नोटिस आया है और दूसरा आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नोटिस। तो दोनों नोटिस में क्या है बहुत अहम जानकारी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो इसी चैनल पर मिलता है। तो आपकी गारंटी सक्सेस हो आपकी लाइफ में, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और रिकॉर्ड कायम करेंगे हम लोग, जल्दी 1 लाख पहुंचने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को लाइक करने के लिए। तो दोस्तों आपको जानी होगी ये लिंक पे जिसमें फीचर लिखा है कि अपडेशन ऑफ कॉन्टेंट डिटेल्स ऑफ एएमयू बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे पहले मैं नोटिस बता देता हूं कि नोटिस आई है 10 जून को। इस नोटिस में लिखा हुआ है ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से है 10 जून को। जामिया का भी मैं बताता हूं कि नोटिस क्या है। आपको अपडेट करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, साफ साफ देखिए 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि अपडेट देयर मोबाइल नंबर। थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं पढ़ के बताता हूं। अगर कोई आपको दिक्कत होती है अपडेट करने में, जो भी क्लास 10th में और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में है उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने जा रहा है तो उनको अपडेट करने होंगे। क्या क्या अपडेट करने होंगे मैं वीडियो में बताता हूं। आपको अपने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर अपडेट करने होंगे क्योंकि ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होगा। आपको अपडेट कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं। अगर आपको कोई दुविधा हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर है 7500। देखिए ध्यान दीजिए 7500125666। 9 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन DOAC डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन @gmail.com। ज्यादा चांस होता है कि आपको ईमेल का रिप्लाई लेट मिले, इसलिए मैं कहता हूं कि मोबाइल पे जरूर कांटेक्ट करें 7500125666। 10 जून 2020 का नोटिस है जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि उनका एग्जाम होने वाला है लेकिन ऑनलाइन मोड में ही होगा। अब जामिया से क्या खबर है उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आपको अपडेट करने हैं। जामिया से खबर है आप जैसे नीचे आएंगे तो यहां पे बहुत सारे नोटिस ब्लिंक कर रही है। इस नोटिस पे सबसे लास्ट में जो नोटिस है ये नोटिस आया 9 जून को रात को, इन्होंने अपडेट किया है। इसमें लिखा क्या है देख लीजिए। जितने भी रेगुलर स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि हार्ड कॉपी उनका मार्कशीट का उनके डिपार्टमेंट में पहुंच चुका है और सॉफ्ट कॉपी भी इस JMICOE.in पे अवेलेबल है। तो आप सॉफ्ट कॉपी भी देख सकते हैं, हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो आप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और कोई भी मार्कशीट में आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरा कम नंबर आया है तो इस नोटिस 9 को निकला है तो 19 तारीख तक आपको रिवोल्यूशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरने होंगे। यानी आपको अगर डाउट है, जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आया गया और आप चाहते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है, आपको इतना इत्मीनान है कि आप ज्यादा नंबर ला सकते थे, तो उसका रिवोल्यूशन यानी फिर से कॉपी रीचेक का फॉर्म 10 दिन के अंदर आपको भरना होगा। जब से ये नोटिस आया है लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म जरूर ऑनलाइन भर देना होगा रिवोल्यूशन के लिए और आपका कॉपी दोबारा रीचेक होगा, फिर से आपका मार्कशीट एक नया बन के आता है। अभी हाल फिलहाल जिसको चेकिंग नहीं करवाना है वो डिपार्टमेंट में जाके अपना मार्कशीट ले सकता है या ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, ये रिजल्ट से रिलेटेड है और ये एएमयू का अभी रिजल्ट तभी आएगा तब आपका एग्जाम होगा। तो 10वीं 12वीं का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके लिए है कि उनका डेटा अपडेट करना। अपडेट करने के लिए देखिए यहां पे है क्लास 12 का अपडेट, यहां पे क्लास 10th का। मैं क्लास 12 पे क्लिक करता हूं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में यहां पे आपका एनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा और यहां पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका फादर या मदर का जो आपने पहले दे रखा है वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको 3 चीजें आपको देख लीजिए नोटिस में लिखा हुआ है कि अपडेट करना है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या आपको ईमेल नंबर, क्योंकि ऑनलाइन जब एग्जामिनेशन होगा तो हो सकता है कि आपने जो नंबर अपने पिताजी का दिया हुआ, अपने अब्बा का दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप ना हो तो आप कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो आपको कैसे इंटीमेट किया जाएगा। इसलिए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर और आपका अपडेट मोबाइल नंबर जो तुरंत का, हो सकता है आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा वो चेंज हो गया होगा क्योंकि आजकल अगर मोबाइल नंबर यूज नहीं करते हैं तो वो बंद हो जाता है, इसलिए अपडेट करने के लिए इन्होंने मांगा है क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपडेट था, जामिया का अपडेट था कि मार्कशीट कलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि आपका क्वेश्चन अच्छे से बनाया था आपने और ज्यादा नंबर आना चाहिए तो उसके लिए रिवोल्यूशन फॉर्म आप 10 दिन के अंदर भरना है, यानी 19 से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए जरूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त के बीच में होने वाला है और आपका जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो बहुत जगह एग्जामिनेशन तो शुरू हो ही गए हैं और रिजल्ट भी आना शुरू हो गया, जैसे जामिया का रिजल्ट है उसी तरह अलीगढ़ के भी अब आने वाले हैं। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो बार बार क्वेश्चन आता है तो वो 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त के बीच में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रह ज्ञान के फिर मिलेंगे, चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय और दोस्तों।